हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किसी शंख पे या किसी स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। आज मैं रुद्राक्ष पे बात करूँगा, जो मैंने आज से पहले कभी इस टॉपिक पे बात किया नहीं है। ये टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप शंख के अलावा और क्या क्या बेचते हैं। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स में आई विल डेफिनेटली इंक्लूड रुद्राक्ष, देन जो जेम स्टोन्स होते हैं, पर्ल्स होते हैं, वो मैं इंक्लूड करूँगा। बट लेकिन अभी वो फ़िलहाल जो है, ये टॉपिक्स जो है अभी अंडर रिसर्च है। मैं कोई भी टॉपिक ऐसे ही बनाता नहीं हूँ हवा में रख के। उस पर काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके जब परफेक्ट अच्छा खासा नॉलेज जब गेन हो जाता है, तब मेरा ऐसा बिलीफ है कि तब आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो रही बात जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, पर्ल की, तो ये अभी मेरा रिसर्च का टॉपिक है। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, और जब मुझे लगेगा कि इट्स परफेक्ट टाइम, तो मैं डेफिनेटली इन सब पे अलग अलग वीडियोस बनाते रहूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जस्ट एक रुद्राक्ष पे मैं हल्की सी कुछ बातें शेयर करूँगा। आप में से अधिकतम लोग जो है रुद्राक्ष को बहुत लाइटली लेते हैं, पता नहीं क्यों। मैं ऐसा कहूँगा कि रुद्राक्ष में कहूँगा कि सबके लिए नहीं है वो, हर कोई नहीं पहन सकता, हर कोई धारण नहीं कर सकता रुद्राक्ष को। कोई भी ओरिजिनल सेलर आपको बताएगा नहीं कि आप ये मत पहनिए, ऐसा मत पहनिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बाद में, वो सेलर को भी पता नहीं होता है कि क्या आपके लाइफ में छेड़खानी करेगा। रुद्राक्ष जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि वो आपके ऑरा, जो आपका जो स्थूल शरीर, जो आपका फिजिकल बॉडी के आसपास जो ग्लो रहता है, उसे ऑरा कहते हैं। ये ऑरा आपके साइकोलॉजिकल थॉट्स, फिजिकल आपके मेंटल थॉट्स है, जो थॉट प्रोसेस है, उसका रिफ्लेक्शन है आपका ऑरा। क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, आपके वाइब्स एमिट करते हैं बाहर, तो वो ऑरा होता है। लेकिन जो रुद्राक्ष है वो इतना पावरफुल होता है कि आपके वो ऑरा के साथ एनी टाइम खिलवाड़ कर सकता है, आपको साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचा सकता है, वो इतना पावरफुल होता है। लेकिन आप लोग जस्ट पहनना है, शो ऑफ ऐसे जस्ट पहनना है, या जैसे दिखाने के लिए पहनना है, या जस्ट ऐसे ही धार्मिक रीज़न के लिए पहनना है, मैं कहूँगा कि वो ऐसा व्यक्ति ही पहन सकता है जो जो माइंड और हार्ट से प्योर हो, और जिसने अपने लाइफ में काफ़ी सालों तक प्राणायाम या मेडिटेटिव प्रैक्टिस या मेडिटेशन काफ़ी लंबे समय तक उसने फॉलो किया हो, या जो भी अष्टांग योग के जो 8 स्टेप्स होते हैं वो उसने फॉलो किया हो, ऐसे लोग ही वो रुद्राक्ष धारण करने की कैपेसिटी रखते हैं। पहले के लोग जो आपने देखा होगा, पहले के लोग जो ऋषि मुनि जो थे, वो लोग ही पहना करते थे। बाकी कोई लोग रुद्राक्ष ऐसे हल्के में नहीं, कोई भी नहीं पहनता था। तो ऋषि मुनि लोग ही वो कैपेबल लोग होते हैं जो पहन सकते हैं, क्योंकि वो ही रुद्राक्ष की एनर्जी को हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं, या कैपेबिलिटी उनकी होती है। बिकॉज मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी रुद्राक्ष, लेट्स से रुद्राक्ष का एनर्जी लेवल 600 है और एक नॉर्मल व्यक्ति का 200 होगा एनर्जी लेवल। तो 200 कहाँ है और 600 कहाँ है, लगभग बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा है कि वो एनर्जी इतनी हाई रहेगी कि आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो आपको वो ऐसा व्यक्ति पहन सकता है जो नॉर्मल व्यक्ति अगर मेडिटेशन करे डेली और काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन करे, तो 200 से 300, 300 से 400, 500, 600, ऐसे में जब वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा, तब वो एनर्जी उसे कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी, या वो उस एनर्जी के लेवल पे मैच कर पाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच कर पाएगा। तो यही कहना था कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा है,
चतुर्मुखी, पंचमुखी, छठमुखी, सप्तमुखी, अष्टमुखी, जितने भी रुद्राक्ष है ये प्रॉस्पेरिटी लाइफ में लाते हैं, मनी, फेम, सक्सेस सब कुछ लाते हैं, लेकिन आपको उसका अदर, ये तो एक साइड ऑफ द कॉइन बताया लोगों ने आपको कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन ये नहीं बताते लोग, कि जो बहुत से लोग छुपाते हैं, कि बहुत सारे लोग ये नहीं बताते कि अगर आप उसकी एनर्जी हैंडल करने में सक्षम नहीं रहे तो फिर आपकी लाइफ में इतने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इतने ऑब्स्टेकल्स लाएगा जिसे आप सुलझाते परेशान हो जाओगे, आप थक जाओगे, मेंटली हरास्ड काइंड ऑफ हो जाओगे, इतने प्रॉब्लम्स आएंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप ये सब चीज़ें जो है धारण करने की कैपेसिटी रखें, उसके बाद ही धारण करें या उस पर रिसर्च करें। उसमें आप ऐसे मतलब किसी के भी कहने पे आप रुद्राक्ष धारण मत कीजिए। वैसे तो बहुत महंगा होता है एक मुखी, जितने भी रुद्राक्ष होते हैं उस पर ऐसे पैसे खर्च मत कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए, आप सच में उसके काबिल है पहनने लायक तभी पहनिए, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कब प्रॉब्लम्स आई और आप उसमें कब फंस गए, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो मैंने जो बताया ये डीप लेवल की बात है, इट्स अबाउट वाइब्रेशन, इट्स अबाउट एनर्जी। जब कोई डीप लेवल पे बात सोचने लगता है कि माइंड कैसे काम करता है, थॉट क्या होता है, थॉट एनर्जी कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और जब किसी का एनर्जी लेवल या थॉट प्रोसेस एकदम डाउन हो जाता है तो डिप्रेस स्टेट में हो जाता है, आप बोलते हो ना कि आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से जब बात करते हो तो आप बोलते हो ना कि अरे हाँ इसके तो कितने अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, इस बंदे से कितने अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, इतना इस बंदे से काफ़ी घटिया वाइब्स आ रहे हैं, ऐसा आप ऑब्जर्व करते होंगे। सो दैट वाइब्स इज़ नथिंग बट ऑरा। सो ऑरा किसी मतलब जब किसी भी व्यक्ति से आप बात करते तो आपको उसके बातों से, उसके विचारधारा से आपको उसका मेंटल स्टेट कितना एडवांस है वो पता चलता है, कि वो हैप्पी स्टेट में है, उसके विचार से आप जान सकते हैं कि वो डिप्रेस स्टेट में है, उसके विचार, उसके इमोशंस कितने पानी में है, आप सब कुछ फील कर सकते हो बातों से, जस्ट बातों से, उसकी नज़रों से। तो जब कोई एडवांस्ड मेडिटेटिव प्रैक्टिस करने वाला जिसके वाइब्स इतने पॉजिटिव हो कि उसके सामने जैसे एक एनलाइटेंड गुरु जो होता है उसके पास बैठ के आपको जैसे पीसफुल लगता है, या आप में से कोई भी जिसके दीक्षा लेते हो, आप में से कोई आपके कोई गुरु होंगे, उसके पास जब आप बैठते हो तो कैसे एक अजीब सा पॉजिटिव ऑरा फील होता है, एक ट्रमेंडस एनर्जी इम्पैक्टफुल लगता है आपको, ऐसा व्यक्ति ही वो और रुद्राक्ष पहनने के योग्य होता है, ऐसे व्यक्ति पहन पाते हैं, ऐसे व्यक्ति उस रुद्राक्ष की एनर्जी को मैच करके धारण कर सकते हैं। और ऐसे नॉर्मल डे टू डे पर्सन नहीं पहन पाएंगे, पहन पाएंगे ऐसे व्यक्ति जिसकी दृढ़ संकल्प वाला जो व्यक्ति होता है, जिसमें विल पावर स्ट्रांग हो, डिटरमाइंड व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति पहन सकता है। लेकिन उसमें भी जैसे वो स्ट्रांग जो रुद्राक्ष होते हैं जैसे एक मुखी हो गया, वो धारण नहीं कर सकते, उसके लिए योग्य कैपेसिटी वाले लोग ही होते हैं जो धारण कर पाएंगे, अन्यथा कोई धारण नहीं कर सकता, तो आपके लाइफ में ट्रेजेडीज ले आएगा। तो ये जस्ट बेसिक सा एक नॉलेज आपको बताना था कि रुद्राक्ष आप हल्के में मत लीजिए, प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, आप ऐसे जस्ट पहन के अपने लाइफ में अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश मत कीजिए। सो ताकि आप खुश रहे, आपके फैमिली वाले भी सेफ रहे, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो मैं यही चाहता हूँ, बस कहने का तात्पर्य ये था कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आप जो भी करें सुख शांति से करें, फिर रुद्राक्ष के चक्कर में ना पड़ते हुए आप लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। जो भी एडवांस मेडिटेट प्रैक्टिशनर होगा, जिसमें जिसको स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, जिसको ये सब भौतिक आकर्षण में फंसने की कोई नीड नहीं लगती, जो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एडवांस हो चुका रहता है, ऐसे लोग ही रुद्राक्ष की नीड को, उसकी एनर्जी को समझ पाएंगे, डिटेल में समझ पाएंगे, वही लोग पहन पाएंगे, उसे धारण कर पाएंगे। सो आई होप ये एक बेसिक सा नॉलेज जो मैंने शेयर किया आपको पसंद आए। मैं ऐसे ही अभी जस्ट अभी मैं रिसर्च स्टेज पे हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ मैं, आगे चल के मैं जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष, पर्ल्स, इस पर मैं डेफिनेटली बात करूँगा, जब मुझे योग्य लगा तब मैं डेफिनेटली आपसे ये सब
बातें शेयर करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।